लगातार आप देख रहे हैं समाचार चैट। डीएम ने लगाई चौपाल, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। वहीं ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को बांटे कंबल। जनपद औरैया विकास खंड अछलदा के ग्राम पंचायत सुबानपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चौपाल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। लगभग सभी विभागों के आला अधिकारी रहे मौजूद। वहीं पर ग्राम प्रधान मुकेश यादव ने ग्रामीणों को कंबल बांटे और ग्राम प्रधान मुकेश यादव ने मीडिया से कहा कि आज डीएम के द्वारा चौपाल लगाकर जिले के सभी विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी मेरे द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की गई और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं पर डीएम श्रीकांत मिश्रा ने मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं को लेकर काफी पहल करने की बात कही है। समाचार चैट के लिए औरैया से सतेंद्र सेंगर की रिपोर्ट। मैं दादी आपका सामान क्या समस्या है आपकी? ऐसे आदमी झोपड़ी में रह रहे हो, मकान नहीं बना अभी तक, क्या कहना है? प्रधान जी ने क्या कहा आपको? आवास क्यों नहीं दिया अभी तक? सब बताओ अपने दिल के क्या क्या नाम है दादा आपका? कॉलोनी नहीं बनी और यहाँ बताया गया क्योंकि कॉलोनी बन चुकी। आपने सूची निकलवाई आवास जो आवंटन होते हैं उसकी सूची निकलवाई आपने? हमारे नाम से कॉलोनी भी बताई गई कि बन चुकी, हमारे यहाँ तक यानी आपके नाम से कॉलोनी बन चुकी है, लिखित में है, अभी तक जमीन पर नहीं बनी है। आपने संबंध में डीएम साहब से कहा कुछ? तो यहाँ पर जो चौपाल लगी डीएम साहब की, क्या दिखावा है सिर्फ? हाँ दिखावा ही है भैया। आज ये सुबानपुर गांव में एक चौपाल लगाई थी डीएम साहब ने, क्या क्या मुद्दे थे यहाँ पर? जो भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं ग्रामीणों के लिए, और चूंकि ये लटोरिया ग्राम पंचायत मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित हो गया है, तो उसमें जितनी सारी योजनाएं थी और उनको किस तरह से गाँव में लोग लाभान्वित हों इसके बारे में जिलाधिकारी महोदय, CDO साहब, CMO साहब और तहसीलदार साहब और DDO साहब और सारे जिला स्तर से लेके और ग्राम पंचायत स्तर तक के सारे अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे और सभी ने अपने अपने विभाग की जानकारी दी, धान खरीद के बारे में और किस तरह से आजकल जो बीमारियां फैल रही हैं उनके जो टीकाकरण हो रहा है उसके बारे में सारी जानकारी दी गई। जिलाधिकारी द्वारा सारी जो भी हमने 2018-19 की रिपोर्ट दी थी जो अब तक के काम हुए उनके बारे में लोगों से जानकारी की, पूछताछ की और लोगों ने अपनी बात रखी। कुछ नाम छूटे हुए थे वो भी शामिल होने के लिए बोल दिया है, उसकी सूची बनवा ली गई है और सारा इस तरह से पूरा कार्यक्रम हुआ। और आज मौसम थोड़ा सा ख़राब था तो इस वजह से कार्यक्रम कुछ डिले हुआ, उसके बाद हालांकि बाद में बारिश बंद हो गई और कार्यक्रम पुनः सुचारू रूप से हो पाया। अधिकारी महोदय ने क्या आश्वासन दिया इस गांव के विकास कार्य? अधिकारी जिलाधिकारी महोदय ने बताया है कि जो भी बेसिक सुविधाएं हैं ग्राम पंचायत स्तर पर वो सारी की सारी इस वित्तीय वर्ष में दूर होंगी शासन से जो इस तरह की। भैया अपने मौजा में एक पुरवा गांव सा लगता है, पुरवा मौजा, वहाँ के कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ निकलने के लिए रास्ता नहीं है, पात्र लोगों पर आवास नहीं है, इस संबंध में सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सभी लोगों को पता नहीं होता है जो आवास की सूची है वो 2012 का बेसलाइन सर्वे है, उस 2012 के बेसलाइन सर्वे में अगर आपका नाम होगा तो ही आपको आवास मिल पाएगा, अन्यथा जो 2018 में नया सर्वे हुआ है उसमें मैं दे सकता हूँ। 2012 में मैं प्रधान नहीं था, उस समय जो भी स्थितियाँ थी जिस तरह का सर्वे हुआ उसमें जिसका नाम था उन सारे लोगों को आवास उस हिसाब से जो उनका सीरियल नंबर था उस हिसाब से दिए जा रहे हैं। बाकी बचे हुए लोगों का नया सर्वे हो चुका है, उसमें सारे जो वंचित थे उनका हो गया, अगर फिर भी कोई अगर बचता है या इस तरह की बात रखता है तो उसको फिर देखेंगे। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे अपने ग्राम पंचायत की ओर से? और यही संदेश है हमारा कि देखिए जो भी सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है लेकिन जब तक ग्रामीण जागरूक नहीं होंगे और अपनी बात जानकारी सही से ले नहीं पाएंगे और जानकारी नहीं होगी तब तक कुछ अधिकारी कर्मचारी या प्रधान भी अपने लेवल पर कुछ घोटाले या इस तरह की गलत चीज़ें कर सकता है। जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है और चौपाल लगी, जिला स्तर के अधिकारी यहाँ पर आए, DM साहब आए, तो निश्चित रूप से जो ग्राम पंचायत की पहुँच है वो ज़्यादा बड़ी है और काम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा गांव को और गांव का विकास होगा। और मेरा यही काम ही है
लोगों ने इसीलिए मुझे ग्राम प्रधान चुना है कि जो पिछले बहुत सालों में गांव में बहुत कुछ नहीं हो पाया है वो सारी चीज़ें गांव में हो जाएं और सबका कल्याण हो, तो ये हमारा ठीक है। आज ये सोहानपुर में जो चौपाल लगी थी, क्या क्या समस्याएं प्रमुख रही? ये ग्राम पंचायत लहटौरिया में जो है शीतकालीन भ्रमण के दौरान सभी अधिकारी इस गांव में आए और जो भी अवस्थापना परक और लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनकी पुष्टि किया गया। गांव के जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान भारत के हों, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसके अतिरिक्त अभी मेजल्स रूबेला का कार्यक्रम चल रहा है टीकाकरण का, कसरे का, तो वो 10 दिसंबर से शुरू हुआ है। इस गांव में जितने भी लोग हैं और 9 महीने से 15 साल के जो बच्चे हैं सबको जो है टीकाकरण कराया जा रहा है और यही है कि जो गांव के लोग हैं सभी स्वस्थ भी रहें और साफ सफाई का भी यहाँ विशेष जो है प्रयास करने के लिए कहा गया है। और जो भी अभी शौचालय की बात है, जो शौचालय छूट गए थे उसमें 197 और नए लोगों को जो है जोड़ा गया है और प्रयास यही है कि शौचालय से भी हम लोग संतुष्ट कर देंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से भी लोगों को लाभान्वित किया गया है और जो भी प्रधानमंत्री और जो है उनकी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं आयुष्मान भारत को लेकर के, उसमें भी इस गांव के जो लाभार्थी हैं उनको 5 लाख तक की परिधि में 5 लाख तक के उनके जो मरीज होंगे उन परिवार के उनको निःशुल्क जो है सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएंगे, उनका निःशुल्क इलाज होगा। और इसके अतिरिक्त जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की लाभार्थी परक योजनाएं हैं उन योजनाओं से हम लोग जो है इस गांव को, और ये गांव सौभाग्यशाली इस मायने में है कि इसको मुख्यमंत्री समग्र ग्राम में लिया गया है और मुख्यमंत्री समग्र ग्राम के होने के नाते इसका समग्र विकास जो है हम लोगों द्वारा